चैप्टर कौन सा बच्चा? 19 क्या बोलता है? चैप्टर 9 बोलता है, 19 बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट और डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या? जो प्रॉफिट प्रॉफिट से दिया जाता है हमारे शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड वो होता है जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आउट ऑफ द प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है बच्चा? ये वही प्रॉफिट है जो कि शेयर होल्डर को डिवाइड करके दिया जाता है उनके प्रोपोर्शनल बेसिस में। अगर एग्जाम में आएगा डिविजिबल प्रॉफिट क्या बन जाएगा, राइट? शॉर्ट नोट, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलिए, इस चैप्टर में हमने पढ़ा डिविडेंड। सबसे पहले हमने डिविडेंड में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चा? हम पढ़ चुके हैं कि भाई डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन फाइनल डिविडेंड होता है और इंटरम। फाइनल डिविडेंड वो जो एजीएम में दिया जाता है, फाइनल डिविडेंड वो जो एजीएम में दिया जाता है, इंटरम डिविडेंड वो जो दो एजीएम के बीच में दिया जाता है, देन प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इन सबको भी डिविडेंड दिया जाता है। चलिए, फिर हमने पढ़ा डिविडेंड और इंटरेस्ट में डिफरेंस। डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, इंटरेस्ट क्या होता है बच्चा? डिपॉजिट, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन, इन सब में क्या दिया जाता है बच्चा? इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोनों डिफरेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पूरी प्रोसेस था, इस प्रोसेस को अच्छे से समझो, यही था जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया बच्चा, डिविडेंड डिक्लेयर किया। डिविडेंड डिक्लेयर करते ही उन्हें तुरंत 5 दिन के अंदर क्या करना है, डिविडेंड का जो पैसा जो उन्हें देना है, कैलकुलेट तो कर लिया ना सब, उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में पहले डाल दो। कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। हाँ, इंटरिम नहीं, ये नॉर्मली सारे डिविडेंड की बात हो रही है, ये नॉर्मली इंटरिम फाइनल सब, क्योंकि डिविडेंड की डेफिनेशन देखोगे तो ये सब की बात कर रहा है, तो ये इंटरिम की भी बात कर रहा है और फाइनल की भी, प्लस फाइनल भी कर रहा है। ठीक है, ये वाली बस डिटेलिंग याद रखना, बाकी जितने भी है ड्यूरेशन भले उसे भूल जाओ, चल जाएगा जो रूल्स में इतनी डिटेलिंग पड़ी थी। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है, कहाँ? बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में वो लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर करा उन्होंने, सोचा तो 5 दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया। क्लियर है? अब जिस दिन डिविडेंड क्लियर किया वहां से कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। जैसे कि 1 जनवरी, इसी को डिटेल में समझाऊंगी, बाकी किसी को नहीं। 1 जनवरी को हमने डिक्लेयर किया, वहां से 5 दिन के अंदर, मतलब 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th जनवरी को क्या करूंगी, अकाउंट में डाल दूंगी सेपरेट अकाउंट। 1 जनवरी को डिक्लेयर किया था ना, यहीं से 30 दिन, यहां से 30 दिन मतलब क्या, 31st जनवरी को पे भी कर दूंगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो जिस दिन डिक्लेयर किया वहां से 5 दिन के अंदर पेमेंट करो, सॉरी अकाउंट में डालो, और पेमेंट कितने दिन के अंदर करना है? 30 डेज के अंदर। फिर 30 डेज के बाद 7 दिन का वेट करो। ठीक है, 30 दिन में आ जाना चाहिए सबको, कोई नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 7 दिन के बाद नेक्स्ट 7 डेज में क्या करना है, एक अकाउंट मेंटेन करो, जैसे हम अनपेड डिविडेंड अकाउंट बोलेंगे, वहां डाला जाएगा। इसे फिर भी नहीं आया इंसान, बहुत ही मान है, तो कहां बच्चा, एक IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में 7 साल के बाद तक। यहां पे बीच में उन्होंने बोला 90 डेज में क्या, जो बंदे नहीं आए 30 डेज के अंदर उनकी पूरी डिटेलिंग 90 डेज, विद इन 90 डेज के अंदर अंदर वेबसाइट में डाल दो, हर जगह फैला दो, भैया आ जाओ तुम्हारा पैसा बचा है, नाम एड्रेस जो भी है। क्लियर है? चलो अब बच्चा फास्ट चलेंगे। डिविडेंड का किससे पे कर सकते हैं बच्चा? प्रॉफिट में से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, वो भी इसमें डिटेलिंग थी बाकी, और गवर्नमेंट ने जो भी पैसे दे रखे। फिर हमने पढ़ा क्या कैपिटल प्रॉफिट से दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन थी, 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, रियलाइजेशन, एक्चुअल में रियलाइज होना चाहिए। ठीक है, चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चा, क्या डिविडेंड हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, लेकिन इसकी भी क्या थी, कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, फिर बच्चा इधर उधर की बातें, ओनली फ्री रिजर्व से देना है। फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चा, डिक्लेरेशन डिविडेंड में आओ सीधे। फाइनल, दो टाइप के डिविडेंड, तो एक फाइनल और एक इंटरम। फाइनल कहाँ दिया जाता है? एजीएम में दिया जाता है। हमने इसमें पूरे केसेस वगैरह पढ़े थे, कैसे पे किया जाएगा, डिविडेंड पेड इन कैश। उन्होंने बोला डिविडेंड हमेशा क्या देना है, पैसे के फॉर्म में ही देना है, काइंड्स में ही देना है। अब ये कैसे दे सकते हो, कैश मतलब ऐसे नहीं कि हाथ में कैश पकड़ा देंगे, कैश में डील नहीं करते बच्चा, साफ साफ गवर्नमेंट के रूल्स क्या बोल रहे हैं कि चेक दे दो, या फिर वारंट दे दो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ले दो, ऐसा हाथ में कैश मत देना, हाथ में कैश बिल्कुल ही देना। हम कैश के फॉर्म में देने चाहते हैं, लेकिन कैश का बैंक अकाउंट में डाल दो, चेक में दे दो, वारंट में दे दो, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो ये पूरे केसेस हैं, केसेस को रिवाइज नहीं कर रहे, आगे चलते। डिविडेंड क्या बोलता है बच्चा, मैंडेट की बात हो रही है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि कंपनी खुद से डिसाइड करती है ना किसको कैसे देना है। ज्वाइंट होल्डर होगा तो जिसका पहले नाम होगा उसको दिया जाएगा, हमने और डिटेलिंग पढ़ी थी। ज्वाइंट होल्डर में कोई और चाहता है तो प्लीज बाकी सबके कंसर्न वगैरह। ठीक है,
चलिए, अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया रूल्स रेगुलेशन हिसाब से, क्या मिलेगी? पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या पड़ा था? डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, डायरेक्टर भी फंसेगा और कंपनी भी। एक्सेप्शन केस में क्या था? इसमें आप फंसोगे नहीं। हाँ, हम क्या पढ़ रहे? प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया तभी तो पेनल्टी लगेगी, दे दिया तो फिर क्यों लगेगी, है ना? क्या था? मेरे को भी याद दिला एकदम से, टेस्ट तो मुझे भी कुछ याद नहीं आ गया, थोड़ा और हिंट कर। चल बढ़ेंगे अपन, आगे जाएंगे, है ना, मत सोच ज्यादा। चलिए, तो मोड ऑफ डिविडेंड, बच्चा कैश लिखा है लेकिन कैश से मतलब काइंड में नहीं देना है आपको, चेक, डिविडेंड वॉरंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में देना है। इंटरम डिविडेंड पढ़ा अपने, कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दो एजीएम के बीच में दिया जाता है, वगैरह वगैरह। चलिए बढ़ते हैं, डिटेलिंग थी इसमें, फिर इसको भी डिपॉजिट करो वगैरह वगैरह। अनपेड की पूरी डिटेलिंग पड़ी थी, ये है 12%, ये किसकी है, किस चीज की? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला तो पेनल्टी, वो 18% डिविडेंड नहीं दिया तो। अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया रूल्स रेगुलेशन हिसाब से तो 18%। ये क्या बोल रहा है? ऊपर हेडिंग देख, हेडिंग देख, ये क्या बोल रहा है? हेडिंग बता, मैं पैसे नहीं डाले तो ये क्लियर है, ठीक है? एकदम से तुझे एक चीज याद आती है मेन टॉपिक भूल जाएगी, छोटी सी बात याद आती है। चलो, एक्शन बाय कंपनी, 7 साल बाद कंपनी क्या एक्शन लेगी? आईईपीए फंड में डालना वगैरह वगैरह, ठीक है? चलिए, फिर हमने क्या पढ़ा था? इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, बच्चा राइट शॉर्ट नोट ऐसा आएगा, ठीक है? इसकी फिर हमने डिटेलिंग पढ़ी थी, कौन इस फंड में कौन से पैसे होते हैं, कि बस डिविडेंड का जाता है, नहीं पूरी लिस्ट, ठीक है? चलिए, फिर क्या बताया था बच्चा? अथॉरिटी कौन होती है, कितने लोग होते हैं वगैरह वगैरह, उसकी ये सारी डिटेलिंग। फिर रूल्स, रूल्स कम इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगी जीरो इंपॉर्टेंस है, ठीक है? ये वाला इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो ये रूल्स पढ़े ना, ये सब थोड़े कम इंपॉर्टेंट, ये तो कहूंगी जीरो इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए, लेकिन फिर भी हमने सेफर साइड पढ़ लिया, क्योंकि अन इंपॉर्टेंट चीजें भी एग्जाम में आ जाती है तो पता तो रहना चाहिए। चलिए अब आते हैं बच्चा सीधे क्वेश्चन पे। अरे ये चैप्टर 7 कहाँ से होंगे? चलिए, एक्चुअली मॉड्यूल के हिसाब से 7 है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी प्रॉफिट एंड बच्चा डिविडेंड की बात हो रही है, आ जाओ स्टार्ट करें। सिंपल क्वेश्चन पहला, क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है, सोचो, प्रेशर डालो, लिखोगे नहीं क्या? गुड, डिविडेंड ये फाइनल डिविडेंड एजीएम में दिया जाता है, ये क्या बोल रहा है? दो एजीएम के बीच में दिया जाता है, सरप्लस रहता है तो, दोनों सरप्लस रहता है तो दिया जाता है, मतलब ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं है जो तूने एक बोला, नहीं है ना डिफरेंस? क्या बोला था? हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ सरप्लस अलग जो है ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये गलत है, ठीक है? पहला क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं और फाइनल कौन करता है बच्चा? जनरल मीटिंग में होता है, ये क्या बोलता है? प्रपोज भी ये करेंगे, फाइनल भी करेंगे, ये एक डिफरेंस हो गया। एजीएम में दिया जाता है, दो एजीएम के बीच में, दूसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है? क्या ये मैंडेटरी है क्या ये सब? नहीं, तो बच्चा इनकी पूरी डिटेलिंग और प्लस इसके अलावा भी हमने मोटे मोटे पैराग्राफ पढ़े हैं। और इंटर में क्या है, तो फिर कहाँ डिफरेंस? वेरी गुड, ये तो यही रिपीट किया ना बेटा, ठीक है? तो तू सिमिलैरिटीज बता रही, सिमिलैरिटीज नहीं बच्चा, यहाँ डिफरेंस मिलेगा मेन, यहाँ मेन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है? और इसके बाद हमने अलग से पूरा पैच पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? ये देखो, इंटरम डिविडेंड का ये पूरा पैच पढ़ा, तो ये सारे पॉइंट्स लिख दो, जहां पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलते हैं लिखो, नहीं होता तो पूरा पैच इंटरम डिविडेंड का लिखो और फाइनल का वैसे लिख देना, क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट बच्चा, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, है ना? ट्राई करना 7-8 पॉइंट्स हम प्रॉपर लिख रहे हैं। हाँ, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखना पड़ेगा, ये फंड क्या है? एक्चुअली जब भी लिखो ना तो थोड़ा प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन क्या, कोई भी चीज अगर लिख रहे हो समझा रहे हो तो पहले इसका बेसिक बताओ ना, ये फंड है क्या, बताओ क्या है। कंपनी का जो डिविडेंड बच गया है तो वो हमें डाला, फिर
फिर स्टेप टू कि कितने टाइम के अंदर, है ना, फिर उसकी अथॉरिटी, मतलब मैं कहूंगी पहले बेस बताओ फिर उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट, हाँ रिपोर्ट वगैरह। लेकिन बच्चा याद रखना, जब भी ज्यादा बातें हो ना तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा देना, सब सब सब। लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्या बहुत डिटेल बताओगे, बिल्कुल नहीं। जब अभी आपको लगे कि कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आप क्या करोगे, पॉइंट्स बढ़ा दोगे, उसका एक्सप्लेनेशन मत करना, कम देना। जब आपको लगे कि बच्चा चीजें बहुत सारी बताने को है, चलिए नेक्स्ट। कैन डिविडेंड डिक्लेयर आउट ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। अब बताओ बच्चा, यहां से आए क्वेश्चंस बस। हाँ कंडीशन अप्लाई, क्या थी कंडीशन, पिछले 3 सालों का, वेरी गुड, बढ़ा आगे 3 सालों का, एग्रीगेट जो होगा उससे ज्यादा मत देना। और कंडीशन और भी थी, ठीक है, वेरी गुड, 1/10 वाली लिमिट। बच्चा हमने पूरी जो ये पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, ये वाला, ये पूरी हेडिंग, वेरी गुड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व इन अ पास्ट ईयर, पास्ट ईयर का जो रिजर्व है क्या वो हम दे सकते हैं, हाँ। कंडीशन एग्रीगेट नहीं, एवरेज, हाँ एवरेज, ठीक है। पहला क्या है, 3 साल वाला, 3 साल वाला एप्लीकेबल नहीं अगर, है ना, नहीं दे रखा है तो। फिर क्या बोल रखा है, 1/10 वाली बात। फिर क्या बोल रखा है, सेट ऑफ कर लेना क्या बच्चा, तब उसके बाद देना। और लास्ट क्या बोल रहा था, निकालने के बाद 15% से कम नहीं होना चाहिए, ये सारी कंडीशन तब दोगे, बचा रहना चाहिए, उससे कम अगर हो गया तो आपको नहीं करने दिया जाए, तो कंपनी कर सकती है, ये ऐसी कंडीशन बतानी पड़ेगी, क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। पनिशमेंट फॉर द फेलियर डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड 18%, और तीन बातें थी, वेरी गुड। पहली बात ये थी कि जो डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड तो देना पड़ेगा, यहां पर ऑफिसर भी फंस जाएगा, कंपनी भी फंस जाएगी, पेनल्टी याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल इफ आर्टिकल एसोसिएशन अथॉरिटी सच पेमेंट कमेंट। पहली दूसरा रियलाइजेशन, तीसरा एक और है, दो, वेरी गुड। डिविडेंड क्या आप कैपिटल प्रॉफिट से दे सकते हो, यस और नो। अगर आर्टिकल ने लिखा है तो उन्होंने कहा बस आर्टिकल की जरूरत नहीं है, आप तब पे कर पाओगे जब वो तीन कंडीशन फुलफिल होगी। वो तीन कंडीशन में पहुंच रहे हैं अपन, वो तीन कंडीशन क्या है, ये ठीक है, क्वेश्चन ही फॉर्म में था, कैन कंपनी पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो आंसर यस था। लेकिन क्या तीन कंडीशन, कैपिटल प्रॉफिट रियलाइज होना चाहिए, आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए, सरप्लस अमाउंट होना चाहिए, वैल्यूएशन जब हमने क्या किया, एसेट लाइबिलिटी मतलब पैसा अच्छा खासा होना चाहिए, तो क्लियर है, पक्का पक्का। चलिए कैपिटल प्रॉफिट मतलब मीनिंग बताया, ये प्रॉफिट गेन किया जाता है सेल कर कर कैपिटल एसेट को। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल प्रॉफिट, क्या है कैपिटल प्रॉफिट, मैंने अपने जो को बेचा, बेचा और मुझे मिला, कैपिटल गेन पढ़ रहे हो टैक्स में, कैपिटल गेन पढ़ रहे हो, कैपिटल गेन क्या है, बेचा आया पैसा, तो कह रहे कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या, बेच कर जो पैसा आया वो, तो पहला पॉइंट यही तो बोल रहा है, रियलाइज करना मतलब बेचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रीड करो अब केसेस, तुम लोगों को रीड करना, पहले रीड कर लो क्वेश्चन मन में रखो फिर मैं रीड करूंगी। ऑनलाइन वाले बच्चों रीड करो क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ लिया क्वेश्चन,
चलिए, जब भी पहले मैं तुम लोग को मौका देती हूँ क्वेश्चन पढ़ने का, दैट मीन्स आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। फिर जब मैं क्वेश्चन समझाती हूँ तो उसमें देखना क्या जो मैंने समझा है वही समझा था कि नहीं, ठीक है? चलिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवीओ लिमिटेड वॉन्ट टू डिक्लेयर डिविडेंड। कंपनी चाहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया हम 15 लाख का प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिस, ठीक है, विदाउट मेकिंग प्रोविजन ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन वो नहीं करे, रिफर टू द प्रोविजन ऑफ। यू कंपनी सेक्रेटरी है ना, एडवाइज दी बोर्ड, ये बोर्ड लिखा होगा दैट वेदर ही कैन गो हेड विद दी प्रपोजल। कर सकते हैं, नो कमेंट्स। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ भी, हमने प्रॉपर पढ़ा था, वो तुम लोगों को मिल नहीं रहा है, अभी लेकर जा रही। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई भी हिंट? नहीं, बढ़ू आगे? नहीं 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 अरविंद, सही नहीं। चलिए बच्चा आ जाओ, स्टार्ट कर रहे। टॉपिक ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा मुझे भी। हमने प्रॉपर पढ़ा था बच्चा, आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते नहीं कर सकते? शिवानी फिर से बोल बेटा, क्या बोल रही है? सेक्शन 123 ढूंढ लेती यार। यस 123, यस मिला, वेरी गुड पूजा, सॉरी शिवानी। बच्चा नो कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस क्या ना करे, प्रीवियस लॉस और डेप्रिसिएशन नहीं लेस करेगी तो क्या डिविडेंड देने देंगे? लॉस अलग है ना, डेप्रिसिएशन अलग है। कौन सा वाला, ये वाला बोल रही है, ये वाला? हाँ तो ये सेम ही है, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, सेम बोल रहा है। फिर से रीड कर दो, 123 बोलते हैं नो कंपनी पे डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती जब तक वो क्या ना करे, विदाउट, नहीं कर सकती है। ठहर जा, भरोसा रख, बोलू बोलू बता पहले बोलू, अब शांत दिमाग में सारी चीजें निकालो, रीड करना अच्छे से। नो कंपनी कैन पे डिविडेंड, रुक जा, इसका मतलब क्या, कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती, फिर रीड कर क्या लिखा है, विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्या मतलब निकल रहा है? तो डिविडेंड नहीं पे कर सकती, ऑपोजिट कर इसका, कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, पक्का वो। अब मेरी बात सुनो 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 सुनो, लीगल लैंग्वेज में कॉमास होता है, लीगल लैंग्वेज में कॉमास होता है, लीगल लैंग्वेज ऊपर है। मैंने जब कल क्लास में पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये लीगल लैंग्वेज है, अब ऊपर लीगल लैंग्वेज को पढ़ो, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने साफ साफ बताया था क्लास में कि इसका क्या है एक्सप्लेनेशन, सिंपल भाषा में यहां बोल रखा है, ऊपर पढ़ो, नो कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, अभी आ गया, अनलेस कैरिड आउट दी। बच्चा एक होती है लैंग्वेज, एक होती है सिंपल, नीचे सिंपल लिखा था, तुमने सिंपल में लीगल घुसा दिया तो वो लीगल है, ठीक है? तो नो कंपनी पे डिविडेंड जब तक वो डेप्रिसिएशन या फिर लॉस है बच्चा, है ना, उन सबको नहीं करती है, तो इन शॉर्ट कंपनी कर सकती है नो, उनको पहले क्या करना पड़ेगा, लॉसेस, हाँ वही है डेप्रिसिएशन के एक ही तो मतलब होता है, मतलब कुछ अलग मीनिंग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है बच्चा, यू है ना, यू बीइंग द सीएस, आप बताओ क्या वो कर सकती है, तो आप बोलोगे नो, आप करो ये सब करो उसके बाद कर सकते हो। नेक्स्ट केस ले लो, पढ़ लो यार पहले, तो रुको जरा, पढ़ लिया पक्का पक्का, रीड करूं मैं। अ रेजोल्यूशन वॉज पास बाय शेयरहोल्डर, शेयरहोल्डर ने रेजोल्यूशन पास किया, कहां किया, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव क्या किया, फाइनल डिविडेंड कितने का, 20% का,
16-17 वन मंथ लेटर, एक महीने बाद नालायक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, बोलते हैं हम 12% का कर, सॉरी 5% को और करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? तुम लोगों ने क्या समझा? तुम लोग पहले बताओ। हाँ नहीं, ये लिखा है ना, फर्दर लिखा है ना, फर्दर और करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन पहले तो गलत समझा नालायक को, सही समझा? तो अब क्या है, और करना चाहते हैं, अब सही हो गया क्वेश्चन, अब बताओ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? पूजा क्या बोल रही है? कंफ्यूज? नहीं कर सकते बच्चा, एक बार जो फाइनल हो गया, फर्दर इंक्रीज ना डिक्रीज, आपकी डेट हो जाती है, आपकी लाइबिलिटी होती है पे करने, दैट्स इट, ठीक है? चलिए साफ साफ बोलो, जो फाइनल हो गया वो फाइनल है और ये कंपनी की डेट है, आप फर्दर इसे नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट बच्चा आ जाओ, आंसर लिखना। चलिए रीड करो। क्या बोल रहे हो, कर सकते कि नहीं कर सकते? आंसर यस नो बता, रीजन अभी नहीं, नहीं ना, नो नहीं, रीजन नहीं, रीजन नहीं, कर सकती कि नहीं? नहीं कर सकती, और तुम भी नहीं बोल। अब मैं क्वेश्चन रीड कर दूं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन द मीटिंग हेल्ड 30 अप्रैल को एक मीटिंग होती है, ठीक है, डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, अनदर मीटिंग हेल्ड होती है 18 मई को, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिवोक, रिवोक मतलब क्या होता है, कैंसिल, द इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, एडवाइज है ना, एडवाइज द कंपनी इन द मैटर, कर सकती कि नहीं कर सकती ऐसा? नहीं, नहीं कर सकती, पक्का? एक केस पड़ा था तो तेरा आंसर होना चाहिए ना, कर सकती है, तू क्यों ऑपोजिट बोल रही है? ओके, इस तरीके से था। क्या बोले शिवानी, वापस बोल बच्चा। डी सेक्शन 127। अच्छा प्रियांशी है, सेक्शन 127, ये तो पनिशमेंट की बात कर रहा है बच्चा, 127 तो कहाँ है प्रियांशी? केसेस में आओ, केसेस में बच्चा, ये केसेस ढूंढो इसको, नहीं ये केस नहीं है यार, तो इतना गोद देती हूँ ना, खुद ही के केसेस नहीं ढूंढ पाती। चलो, वंस डिविडेंड डिक्लेयर इट कैन नॉट बी रिवोक बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, तो जनरल रूल नहीं कर सकते, एक्सेप्शन कर सकती है, क्या देना पड़ेगा? जस्ट एंड प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, तीन रीजन कौन से बोल रही थी? अच्छा दूसरा, नहीं नहीं ये कुछ और बोल रहे, इफ अ डिविडेंड डिक्लेयर इन अ जनरल मीटिंग अगेंस्ट द प्रोविजन, ये कुछ और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, ये बस इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बस इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ नहीं, इसलिए मैंने प्रॉपर देखो दो पॉइंट बताए थे, पहला पॉइंट ये जब जस्ट एंड प्रॉपर रीजन दे दोगे तो, दूसरा जब आपने रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रखे तो, ठीक है दो रीजन। चलो बच्चा बढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और देखो सही समझ रहे हो कि नहीं। बस अभी आंसर यस और नो, पहले रीड कर लिया करूं। अ कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1450 डिक्लेयर डिविडेंड 19 सितंबर बट फेल टू पे, ठीक है, द सेम विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया, कंपनी ने डिक्लेयर किया 19 सितंबर 2015 को बट फेल, पे नहीं कर पाया उस टाइम पर, उस टाइम पे कब कब पे करना चाहिए डिविडेंड? 30 दिन के अंदर, जब भी डिक्लेयर किया वहां से 30 दिन के अंदर। अ केस वॉज फाइल अगेंस्ट द डायरेक्टर इन हिज रिगार्ड, किसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया? डायरेक्टर के अगेंस्ट, द डायरेक्टर हैज कंटेंट दैट ही हैज बच्चा रिजाइन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर बहुत स्मार्ट, क्या बोल रहा है, जब डिक्लेयर किया गया था मैं था ही नहीं, मैं तो छोड़ चुका हूँ कंपनी,
रिजाइन कर चुका हूं, तो डिसाइड करो ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर इन द लाइट ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. क्या बोलते हो, डायरेक्टर फंसेगा कि नहीं फंसेगा? नहीं फंसेगा, बस नहीं फंसेगा. फंसेगा कि नहीं फंसेगा? नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा. साफ साफ वो बोल रहे हैं मैं रिजाइन कर चुका हूँ. और अगर वो रिजाइन कर चुका है बच्चे, ये सिंपल केस है, वो रिजाइन अगर कर चुका है, ठीक है, प्रूफ दे दिया, हम ये मान के चल रहे हैं प्रूफ दे दिया, तो अगर उसने प्रूफ दे दिया है, वो बोल रहा है हम ये मान रहे हैं, तो बच्चा यस वो नहीं फंसेगा, लाइबल कोई और होगा. पनिशमेंट क्या मिलती थी हमने पढ़ा था, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, ऑफिसर को भी पड़ेगी, कंपनी को भी पड़ेगी, लेकिन वो ऑफिसर में डायरेक्टर ये वाला नहीं होगा. क्लियर है, पक्का? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रीड करो 10th. अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी पढ़ो पहले. पढ़ो और तुम लोग डिसाइड करो. क्या हमने कोई लिमिट पढ़ी, मतलब कर सकते होंगे ना? पढ़ लिया, पढ़ू मैं? The board of director of the American Express Limited declare interim dividend third time during the financial year. After declaration, the board of director decide to revoke third time dividend. Notice of the company financial position did not permit the payment of such interim. Now, like को ने cancel किया, और क्या बोलकर cancel किया? कि हमारी financial position अच्छी नहीं है. The board of director question यहाँ से चालू होता है. The board of director seek your advice be different in case it is regular dividend instead of dividend. दो चीजें पूछिए. पहले तो उन्होंने एक बात ये पूछी है, उन्होंने इंटरिम डिविडेंड थर्ड टाइम किया और उसे रिजेक्ट कर दिया. क्या ऐसा कर सकते हैं बच्चा? सेम वही कर सकते हैं, जनरल रूल नहीं कर सकते, जनरल रूल नहीं कर सकते, एक्सेप्शन कर सकते हैं. दो रीजन अभी हमने पढ़ा था, क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जस्ट एंड प्रॉपर रीजन देगा, दूसरा क्या रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट है, ये था. इन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, दूसरा क्वेश्चन ये, क्या तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा अगर वो इंटरिम डिविडेंड नहीं है रेगुलर डिविडेंड है? आंसर चेंज हो जाएगा, क्यों होगा? दोनों केस में तो सेम बात है, चाहे रेगुलर हो चाहे इंटरिम, एक बार बोल दिया करना पड़ेगा जनरल. एक्सेप्शन क्या, इसी में भी है ना, डिविडेंड की डेफिनेशन याद करो. डिविडेंड मतलब एनी अमाउंट डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम भी, तो जहां जहां डिविडेंड वहां वहां इंटरिम भी. इंटरम के लिए अलग से कुछ बोला है तो मानिए, अदरवाइज फाइनल और इंटरम में दोनों में सेम मोटाटिस मोडस रूल्स लगेगा. प्रॉपर हमने पढ़ा था, पढ़ो उस केस को, ठीक है? तो बच्चा कोई चेंजेस नहीं होने वाले, आपका आंसर सेम ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चीज नहीं पढ़ी वो क्वेश्चन में आ जाता है, तो समझ जाना जब नहीं पढ़ा है तो हो सकता है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अजीब अजीब से आएंगे. क्वेश्चन हमेशा लास्ट लाइन में होता है, वेदर इंटरवेनिंग हॉलीडे इज द मंथ ऑफ द अक्टूबर 2018 शैल बी टेकन अकॉर्डिंग कैलकुलेटिंग द टाइम लिमिट. क्वेश्चन ये यस और नो, यस कि नो? नो, नो. क्वेश्चन रीड करो एक बार. रेफर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, एडवाइस करो कंपनी को, एक पब्लिक कंपनी है, डिक्लेयर डिविडेंड 30 सितंबर को डिक्लेयर करती है, तो वहां से कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, 5 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, एक अकाउंट में डालना चाहिए, ठीक है? The procedure to be followed in this regard, payment dividend. Whether, जब हम वो 30 दिन का क्राइटेरिया देखेंगे बच्चा, तो इन्होंने कहा क्या इंटरवेनिंग हॉलीडे इज इन द मंथ, हॉलीडे जो छुट्टी होते हैं उनको क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा एक्सक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड किया एक्सक्लूड? आंसर सही बोल दिया और रीजन गलत दे दिया. मेन आंसर तूने सही दिया, क्वेश्चन मैंने पूछा वेदर हॉलीडे जो है उसे कैलकुलेट किया जाएगा कि नहीं, उसको कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो आंसर नो बोला, तो इसका मतलब क्या है
हॉलीडे को अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, इंक्लूजन होगा ना। 30 दिन, जब मैं कहूंगी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, इसमें तो छुट्टियां भी आई ना, संडे भी आया, इन सबको कंसिडर कर रहे हैं? नो, कंसिडर कर रहे हैं? नहीं। तो इंक्लूजन है क्या एक्सक्लूजन है? छुट्टी को इंक्लूड किया कि एक्सक्लूड किया? इंक्लूड किया। एक्सक्लूड करना मतलब बाहर निकालना, मतलब इसको और आगे बढ़कर, 4 संडे तो 4 दिन और बढ़ाऊंगे ना, तो उसे बोलते हैं एक्सक्लूड करना। हॉलीडे ऑलरेडी अंदर है, हॉलीडे ऑलरेडी अंदर है, तो क्या होगा? इंक्लूड होगा पक्का। हाँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर नहीं है, है ना, नहीं कंसिडर कर। लास्ट क्वेश्चन रीड करो। अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 1st November 2018, इट्स रिपोर्ट है ना 22 December की बनती है 2018 की, दैट इट कुड नॉट नेट पेड, सॉरी नॉट लिखा, नेट लिखा, नेट पेड डिविडेंड इज 46 मेंबर, नॉट ये वो बच्चा गलत हो गया, वो नॉट है। इन्होंने बोला कि नॉट पे, कितने मेंबर को नहीं पे करेंगे? 46 मेंबर्स को पे नहीं करने का सोच रहे, नॉट ट्रेसेबल, क्योंकि वो ट्रेस नहीं हो रहे पिछले, है ना, क्या नहीं ट्रेसेबल हो, फॉर द लास्ट 3 ईयर से नहीं हो रहे। एडवाइस दी कंपनी, क्या एडवाइस करोगे? तो क्या करना चाहिए, एडवाइस करने को बोला है, 90 डेज का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? नहीं 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 30 डेज की बात की बात करें, ये क्या कह रहे हैं, 21st November 2018 को डिविडेंड डिक्लेयर किया, रिपोर्ट भी कब बच्चा 22 December, मतलब हो गया प्रॉपर एक महीना, 30 डेज हो गया। ये कह रहे 30 डेज के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो 46 मेंबर को नहीं देंगे, मतलब ये तो सही कर रहे हैं ना। तो इनके लिए प्रोसीजर के लिए आपको एडवाइस करना, प्रोसीजर क्या, पहले 7 डेज वाली बात, 7 डेज के अंदर इसमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है, वही 90 डेज वाली बात भी वेबसाइट में डालना है, और 7 दिन के बाद, है ना, 7 साल का वेट करो, 7 साल के बाद क्या करना है, एक IEPF फंड में डालना है, तो वो पूरा प्रोसीजर बताना है, क्लियर? ठीक है, बता देती हूँ।